तो नवीद से फैक्ट्री का सौदा आपसे हुआ, आज से फैक्ट्री के मालिक आप हो। सेठ, ये तो होना ही था। एक ना एक दिन तो मुझे इस फैक्ट्री का मालिक बनना था। आप इस फैक्ट्री का सौदा मुझसे कर चुके हैं, फिर किसी और से आप इस फैक्ट्री का सौदा कैसे कर सकते हैं बताइए? कैसे कर सकते हैं आप सौदा? क्या लालच था आपको? पैसे का लालच था आपको? अगर पैसे का लालच था तो जितनी कीमत इसने आपको दी है मैं उससे दोगुनी देने के लिए तैयार हूं, बल्कि चौगुनी देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको इसके किराए के आदमियों से कोई खतरा है तो इसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। खुदा के वास्ते ये फसादात की बातें नहीं करो, इससे पूरे शहर में आग लग सकती है। एक मिनट सेठ, एक मिनट, करने दो से जो करता है, ये शौक भी इसे पूरा करने दो। इस आग में कौन झुलसता है देखेंगे, मैं यही है। यस अंकल, आप रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। ए डिसूजा भाई, ये दोनों बच्चों को समझाओ, ये लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं। अरे पापा भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, हम दोनों ने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। जब आग भड़कती है तो उसमें शोले निकलते हैं, और मुझे लगता है कि आप दोनों उन शोलों की जद में आ गए हैं। लेकिन बाबा सही, आप मेरी बात सुने। क्या बात है अली, हाँ? क्या बात है बेटा, क्यों आप एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हो? बाबा सही, इस फैक्ट्री का सौदा सबसे पहले मुझसे किया गया था। ये समझाने, आप इसे समझाइए इसे। इसे अगर प्रॉपर्टी बनाने का इतना ही शौक है तो गांव में जाकर प्रॉपर्टी बनाए। ये शहर सिर्फ मेरा है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये शहर देहात ये तुम दोनों के हैं। तुम दोनों की जिद, झगड़ा, लड़ाई ना आपको कुछ दे सकती है, ना अली को, ना सेठ को, और ना हमारे इस मुल्क को। बेटे, आप अपनी लड़ाई और जिद का कारोबार खत्म करो, क्योंकि बेटा जब नफरतें वजूद में सराइयत कर जाती हैं तो फिर आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। खुदा रहा, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह मत करो। अगर तुम दोनों में ताकत है तो अपनी उस ताकत के घमंड को खत्म करो, खत्म करो उसे। क्यों डिसूजा? देखो मम्मी बेटा, जमाल खान सही बोलता है, अपने ताकत का घमंड मत करो। क्या मालूम जिसको तुम कमजोर समझता है ना, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर निकले। तभी बेटा मुझे एक बात बताओ, अपने जमीर के कटारे में खड़े होकर सबसे पहले एक बात सोचो और फिर बताओ कि इस फैक्ट्री का सौदा सेठ साहब से पहले किसने किया था? बेटा डोंट बी नर्वस, बताओ। अली ने किया था। ग्रेट, नोमी यू आर ग्रेट, तुमने सच बोला, हमको बहुत खुशी हुआ है। मेरे बेटा, आपकी बातें सुनकर और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर हम सब अपने अपने जमीर के कटहरे में खड़े होकर अगर ये गवाही दें तो फिर ये नफरतें, ये दुश्मनी, ये सब कुछ खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। जमाल खान, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज। नोमी बेटे को और अली बेटे को, अफार भाई, इन दोनों को आपस में मिला देना चाहिए। मार्वेलस, गुड आइडिया। अब तुम अली बेटे की तरफ बढ़ो, हम नोमी बेटे की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज चलो बेटा, चलो प्लीज बेटा, दो कदम तुम बढ़ा जाओ, आ जाओ, आ बेटा, आइए।
Come on. Isura, आज मेरे को बहुत खुशी हुआ है कि मुझे नाचीस के दफ्तर में ये अच्छा फैसला हुआ है. लेकिन डिसूजा, मेरे को एक कंफ्यूजन अभी भी है. भाई बोलो, किस बात का कंफ्यूजन है? डिसूजा, ये दोनों बच्चों में से मेरा फैक्ट्री कौन खरीदेगा? अरे खफा भाई, ये घबराने का बात नहीं है ना. अब ये नौजवान नस्ल इस फैक्ट्री को चलाएगा, दोनों मिलकर चलाएगा ना. गुड, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तुम्हें इतने बड़े नुकसान से बच गया. अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं टाइम पर पहुंच गया और एक बहुत बड़ा तूफान टल गया. नोमी बेटे, आपने और अली ने जो मुझे इज्जत दी है, इस पर मैं बहुत खुश हूं. लेकिन सेठ, आपका नुकसान जरूर होगा. है? क्योंकि अभी आपको चाय पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा. जमाल खान, सिट डाउन, दिस इज़ प्लीज. बेटा बैठो.